हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं नहाने। यह बहुत बड़ी आड़ है जहाँ बचपन में नहाया करते हैं। तो बने रहें आप बीमल व्लॉग्स के साथ। और ये देखिए जापानी फल का पेड़, बचपन में हम यहाँ से चुरा के खाया करते थे जब भी मामा के घर आया करते थे। और ये बॉडी, और हम जा रहे हैं जंगल में। जंगल में जाते हुए हम, और ये हमें हमारे गाइड हमें गाइड करते हुए, बट अगर आगे इसको कुछ दिख गया तो ये हम भाग के छोड़ जाएगा। और ये है मशरूम जो खाए नहीं जाते, इसे बोलते हैं मंडियाली में टटमोर। अखरोट के पेड़ देखो, अखरोट लगे हुए। और ये लेमन का बगीचा जो कि मामा जी का खुद का है, लगे हुए हैं अभी। यहाँ देखिए, दिखाते हैं हम आपको, ये रहे ऐसे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 150-200 पेड़ होंगे। ये हमारी भैंस, ये देखिए, और ये देखिए बिल्ली के बच्चे, ये बिल्ली के बच्चे, ये है बिल्ली के बच्चे, ये देखिए, ये बिल्ली के बच्चे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने अभी बिल्ली का बच्चा पकड़ा है, छोटा सा, देखिए इसके नाखून, देखिए इसके नाखून क्या इतने बड़े बड़े। बिल्ली का बच्चा, आइए जल्दी पकड़ो, ये बिल्ली का बच्चा पकड़ा था। मामा जी की आवाज सुन के कितना चुप हो गया ये बिल्ली का बच्चा। ये देखिए मेरी मम्मी रो रही है भैंस को मिलके काफी टाइम बाद। ये हमारा कट्टू, वो बिल्लू चले आ संजू बाऊ को ब्रक मंगाए ऊपर का संजू। और ये रास्ता है कुछ ऐसा, यहाँ बहुत बड़ा नाला है, खड्ड बोलते हैं जिसको हम मंडियाड़ी में। खड्ड में जा रहे हैं हम नहाने, बहुत टाइम बाद। बचपन में हम इन सब खेतों में हल जोता करते थे मामा जी के साथ मिलके, फिर हम बड़े हो गए और हम बाहर चले गए, फिर जिंदगी अलग ही मोड़ पे चली गई। ये देखो, तो ये रास्ते हैं, नजारे, और ये खेत, यहाँ लगाएंगे चावल। और ये हम सब जा रहे हैं, देखिए भाई का बच्चा जो कि शैतान है बहुत। और ये है रास्ते, ये है गरनिया, ये कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं इसमें। और ये है कड़ी पत्ता, अब देखते हैं रास्ता तो ये है, बट मेरे को लगता है उस हिसाब से हम जा रहे हैं वो बंद ही है। देखना कांटे कूंटे ना हो लगे आपको, फिर बोलते फिर चाचू जी हमें ऐसे रास्ते से लेके गए। तो ये कुछ, और हम नदी में पहुंच गए अब। ये देखिए किसी आशिक ने अपना नाम लिखा है यहाँ, एक के। और ये ऐसी है, और ये सब जा रहे हैं हम नहाने। आज जैसे हमारी भाभी ज्यादा चलने की शौकीन नहीं है, आज बड़े टाइम बाद चल रहे हैं ये, तो इनको बहुत दिक्कत आ रही है जिससे ये हमें गालियां दे रहे हैं। और आज हम मछली पकड़ने
तो कोशिश करेंगे। कर लो गिल्ले, और पहले मेरे को चप्पलें खोलनी पड़ेंगी। हट जाइए, हम जाते हैं आगे, आप आइए पीछे। और इतना ठंडा पानी, मज़ा आ रहा है लगता है यहाँ नहाने का, और मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। और हम अब यहाँ बोलते हैं आड़, आड़ का मुआयना करने जा रहे हैं। बचपन में हम इस एरिए में काफ़ी, जब भी 1.5 महीने या 40 दिन की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो हम यहाँ ज़रूर आया करते थे। और अब हमें डर लग रहा है, ये देखिए। यहाँ हम नहाया करते थे बचपन में, अब हम बड़े हो गए। और ये देखिए पानी, बचपन में हम यहाँ नहाया करते थे, और आज मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं तो 15 साल बाद हम यहाँ आए हैं। बड़ा काफ़ी, बहुत काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ आए हैं। और ये हमारी फैमिली, कुछ जिनको हम अपनी बचपन की कुछ पल दिखाते हुए, जहाँ हम इंजॉय करा करते थे। इसे बोलते हैं हम हेलीकॉप्टर। उड़ गया अभी हेलीकॉप्टर, ये बैठ गया, यह हेलीकॉप्टर जिसे बोलते हैं मंडियाली में झीर। इंजॉय, और ये देखिए इतना ठंडा पानी है, ये काँप चुका है। और ये देखिए मेरा बड़ा भाई तैराक। होगी मस्ती, अब हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपसे। और ये है वो पानी ग्लेशियर से नीचे आता हुआ, देखिए कितना ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है ये। अब जा रहे हैं हम घर, तो इन रास्तों में हमें थोड़ा सावधानी ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फिसलन भरा रास्ता है, अगर हम यहाँ गिरे तो बस फिर घर। ये देखिए हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऊपर की ओर बारिश का मौसम है, बारिश हुई तो हमें दिक्कत में पड़ सकते हैं हम, इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। पहाड़ों पे बारिश हुई तो छोटी सी नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा आता है, नदी छोटी है बट पानी ज़्यादा आता है। सो हम चल पड़े अपनी घर की ओर। बारिश का माहौल बन चुका है, पहाड़ों पे बारिश हो सकती है यहाँ। और ये नहीं जा रहे हैं देखिए, और लोग शादी में आते हुए, ये डॉगी आए रहे थे नीचे। तो देखिए ऐसे ऐसे रास्ते हैं, अब हम जा रहे हैं। सो इंजॉय आता है घर में, बट यहाँ चलना पड़ता है, और हमें चलने की ज़्यादा आदत रही नहीं है। तो देखिए ऐसे ऐसे रास्ते हैं,
पर अब हम जा रहे हैं। सो एंजॉय आता है घर में, बट यहाँ चलना पड़ता है और हमें चलने की ज़्यादा आदत रही नहीं है। कुछ ऐसी जगह है, इस जगह का नाम है पिंगला। और ये देखिए सामने पहाड़ों पे कितने बादल छा चुके हैं, थोड़ी देर में बारिश लग सकती है यहाँ और सारी शादी का आनंद चूर चूर कर देगी ये। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि मेरे मासी का लड़का आया है उसको लेने, और ये नहीं जा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा तो कितना बादल छाए थे, अब मौसम थोड़ा हल्का साफ हुआ, पहले हवा तूफान बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये कुछ नज़ारा है, और ये नीचे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और इस जगह का नाम है पिंगला। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग होती हुई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विमल ब्लॉग्स।